षड विपो के बात करने वाले हैं, वो छह दुश्मन जिनकी वजह से पूरा संसार, ये पूरी दुनिया में हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। तो ये बात हम सब जानते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, वो दुखी है, परेशान है, चिंता करता है, तनावग्रस्त रहता है, या कम से कम जीवन में कभी ना कभी तो उसने दुख पाया ही है। क्यों? क्योंकि इंसान का जन्म होने का अर्थ ही है कि दुख तो मिलेगा, अलग अलग रूपों में मिलता है, पर मिलता जरूर है। किंतु समस्या ये नहीं है कि दुख मिल रहा है या पीड़ा हो रही है, समस्या तब बढ़ जाती है जब इंसान को दुख तो मिलता है लेकिन वे ठहर कर ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि इस दुख की मूल वजह क्या है। मूल वजह क्या है ये जाने बिना ही वे अपने दुखों, अपने कष्टों का समाधान इस बाहरी संसार में खोजने लगता है, दुनिया की वस्तुओं में, रिश्तों में, धन में, भोग विलास की चीजों में, पद प्रतिष्ठा में, वे सुख की तलाश करने लगता है। और जब किसी एक चीज से वे नहीं मिल पाता, उसे शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती, तो वे और ज्यादा पीड़ा सहता है और अधिक अशांत होता है। और इस अतृप्ति को मिटाने के लिए वे एक के बाद एक चीजें पाने में लगा रहता है। और कब उसका जीवन खत्म होने के कगार पर आ जाता है, कब उसको मिला हुआ उसका पूरा समय खत्म हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। उसने कितने दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, दुश्मन बनाए, किसी से प्यार, किसी पर क्रोध किया, गाड़ी, बंगला, पैसा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ है उसके पास, लेकिन मन की शांति व तृप्ति अभी भी अधूरी है। महंगे बिस्तर पर वो पड़ा हुआ है, आंखें फटी हुई हैं, मुंह से बोल नहीं पा रहा है, दांत झड़ गए हैं सारे, शरीर साथ नहीं दे रहा है, और वो सोच रहा है कि जीवन भर इतना कुछ पाया, इतना कुछ इकट्ठा किया, अब इसका करूं क्या? कभी दो पल शांति से बैठा नहीं, प्यार से किसी से बात नहीं की, और विदाई का समय आ गया, इसमें जीवन कहां है? अभी तो मैंने जीवन जिया ही नहीं, बस जोड़ने में और दूसरों को खुश करने में ही रह गया। और ये इंसान इस तरह मरते दम तक दुख भोगता है, डर में, अशांति में जीता है, कभी खुल के नाच नहीं पाया, गीत नहीं गा पाया, सुंदर दुनिया थी उसे देख नहीं पाया। ये सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर अंतिम दिन तक तड़पता है। इंसान के इतने दुख भोगने का जो मूल कारण है वो है उसका अज्ञान। मिलने वाले दुख, मिलने वाले कष्ट के कारण के प्रति अज्ञान। जब दुख आता है तो इंसान 10 सेकंड भी ठहरकर मिलने वाले दुख के कारण को जानने की कोशिश नहीं करता। वो नहीं पूछता कि ये दुख क्यों हो रहा है और किससे हो रहा है, और तुरंत ही उसके समाधान के लिए निकल पड़ता है। जब इंसान को नहीं पता कि उसके दुख का कारण क्या है, तो इंसान की जो वृत्ति है उसके अनुसार वे समाधान भी कहां ढूंढने जाएगा, बाहरी जगत में, बाहरी जगत में ही खोजने लगता है। जब वे ठहर कर नहीं पूछता कि दुख का कारण क्या है और आखिर दुख हो किसे रहा है, तो वे वस्तुएं एकत्रित करने लगता है दुख दूर करने के लिए, बिना ये जाने कि उसके समस्त दुखों का कारण उसके अंदर ही है और समाधान भी वहीं से आएगा। लेकिन वो जानता नहीं और समाधान को बाहरी जगत में ढूंढता रहता है, लेकिन अंदर की तरफ वो कभी मुड़ता नहीं कि कौन है जो अंदर से कह रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। क्योंकि शरीर तो चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा है कि मुझे दुख हो रहा है या मुझे बुरा लगा या किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं तनावग्रस्त हूं, शरीर तो नहीं कहता है। लेकिन इंसान जो काम करता है वो सारे इस तरह के होते हैं कि उसके शरीर को ही सुख देते हैं, मन को नहीं तो सुख देते, शांति मिलती नहीं फिर उसको इस तरह। इसलिए हमारे ग्रंथों ने, अनेक साधु संतों ने, ऋषियों ने सदा यह बताया है कि हर दुख, हर समस्या का कारण अहंकार है। समस्त दुख तुम्हारे अहंकार के कारण ही उत्पन्न होते हैं, और अहंकार ही तुमसे सदा दुनिया में ही लिप्त रहने के लिए, बाहरी जगत में ही फंसे रहने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है। क्योंकि तुम अगर समाधान के लिए अंदर को मुड़ गए तो अहंकार के लिए खतरा हो जाएगा।
क्योंकि दुख का कारण है अहंकार, और दुख मिटाने के लिए अगर तुम अंदर मुड़े तो अहंकार को ही मिटना पड़ेगा। लेकिन अहंकार मिटना नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हें ठहर कर दुख के कारण पर विचार भी नहीं करने देता और तुम्हें बाहरी चीजों में ही उलझाए रखता है ताकि वे खुद बचा रह जाए। इस तरह अहंकार कभी मिटता नहीं, इसलिए दुख भी सदा बना ही रहता है। पर दुख के रूप बदलते रहते हैं, कभी इस वजह से दुखी हो तो कभी किसी और वजह से दुखी हो, कभी किसी और बात से परेशान हो, ऐसा होता रहता है। क्यों? क्योंकि अहंकार अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि दुख मिलता है तो मैं अहंकार की वजह से, और अहंकार अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक संयुक्त नाम है उन 6 दुश्मनों का जिनकी वजह से तुम्हें दुख मिलता है। कौन से दुश्मन है वो? इन दुश्मनों को कहा गया है षडरिपु, अर्थात 6 दुश्मन, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ। यही वो 6 दुश्मन है जिनकी वजह से समस्त मानव जाति जीवन भर दुख पाती है, इन्हें नहीं जानने नहीं समझने के कारण बहुत कष्ट पाती है। और इन्हीं को जब एक साथ कहते हैं तो इनको एक संयुक्त नाम दिया गया है अहंकार का। और ये सब कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, ये तुम्हारे अंदर ही हैं, इसलिए समाधान भी अंदर ही खोजना पड़ेगा। लेकिन तुम बाहर चले जाते हो, तब हम समझते हैं कि इन 6 दुश्मनों को कैसे जाने, कैसे समझें और इसका समाधान क्या है। तो पहला है काम, काम अर्थात इच्छा, कुछ पा लेने की इच्छा को काम कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करता है, और जिसके पास दुनिया की हर चीज है वो भी कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में ही जीवन भर लगा रहता है। समस्त मानव जाति इस अधूरी, इस अतृप्त इच्छा की कठपुतली बनकर रह जाती है। ये जितने भी तुम्हें दिखाई देते हैं, अमीर, गरीब, नेता, व्यापारी, वैज्ञानिक, साधक, हर कोई कुछ चाहता है, हर कोई अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए दौड़ता रहता है, इसी में सारा समय वो गंवा देता है। लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इस कारण अगला जो दुश्मन है वो पैदा हो जाता है। पहली क्या है? इच्छा, जो हमें नचाती रहती है कि मुझे पूरा करो पूरा करो, उसके लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं, तो इच्छा की वजह से परेशान पहले तो इंसान। और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो दूसरा दुश्मन पैदा हो जाता है, वो होता है क्रोध, क्रोध उत्पन्न होता है। ये दूसरा दुश्मन है जो इच्छाओं के पूरे ना होने के कारण उत्पन्न होता है। तुमसे मान लो तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा था, तुम जॉब करते हो, नौकरी करते हो, और तुम्हारे बॉस ने तुमसे कुछ कहा था, तुमने नहीं किया, तो बॉस को क्रोध आ गया। तुमने सोचा था कि तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा भाई पढ़ाई में सबसे आगे है, लेकिन जब पता चला तो सबसे पीछे निकला, तो तुम्हें क्रोध आ गया। किसी नेता को तुमने चुना और जो वादे तुमसे उसने किए थे वो पूरे नहीं किए, रह गई तुम्हारी इच्छाएं, तमन्नाएं, सपने अधूरे के अधूरे। अब तुम क्रोध में आकर तोड़फोड़ कर रहे हो, बसें जला रहे हो। छोटी छोटी इच्छाएं भी जब पूरी नहीं होती हैं तो तुम्हें क्रोध आता है। तो दूसरा दुश्मन तुम्हारा ये क्रोध है। तो इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर जो उत्तेजित भावना उठती है, इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर जो उत्तेजित भावना उठती है उसे क्रोध कहते हैं। फिर आता है तीसरा दुश्मन, जिसे कहते हैं मद। मद माने नशा, एक प्रकार की बेहोशी, एक प्रकार का चेतना का अभाव मद कहलाता है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम किसी के साथ क्या कर रहे हो या कोई और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है या क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, उसकी वास्तविकता को तुम देख नहीं पाते हो। इसका तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम किसी के साथ क्या कर रहे हो या कोई और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो जिस स्थिति में तुम सही गलत, उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते, उसे मद कहते हैं, उसे नशा, उसे ही बेहोशी कहते हैं। जैसे तुम्हारा भाई है, ठीक है, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और तुम बहुत ही रईस बाप की औलाद हो। अब तुम्हारे भाई ने किसी को बेवजह ही थप्पड़ मार दिया, लेकिन जिसे मारा वो 5 लोग और तुम्हारा भाई एक अकेला। अब वो मिलकर 5 के 5 तुम्हारे भाई को पीट देते हैं,
अब एक दिन तुम दोनों भाई को वो लड़का अकेला मिलता है जिसकी वजह से भाई पिटा हुआ था तुम्हारा, और तुम्हें आता है क्रोध, तुम आग बबूला होकर उसे पीटने लगते हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा इतना अनियंत्रित हो गया कि तुम उसे पीटे ही जा रहे हो और तुम्हें होश ही नहीं है कि तुमने उसे मार ही दिया, तुमने उसकी जान ही ले ली। तब क्रोध के नशे में, कहते ना क्रोध के नशे में इतना मारा कि मार ही दिया, तो क्रोध भी जब अत्यधिक हो जाता है और जब तुम्हें ये पता ही नहीं रहता है कि तुम क्रोध में क्या कर रहे हो, तो वहां ये मद होता है। यही है नशा, इसी को मद कहा गया। ये भी तुम्हारा दुश्मन है, और तुम जो पूरा जीवन जी रहे हो इसमें तुम क्या कर रहे हो अभी तुम्हें पता नहीं है। और ये कैसे कह रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम पछताते हो। तुमने कई सारे अपने जीवन में निर्णय लिए हैं और तुम बाद में उनके लिए पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यही दर्शाता है कि जब तुम निर्णय ले रहे होते हो उस समय तुम्हें लगता है कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि तुमने गलत निर्णय ले लिया। इसी को तो नशा कहते हैं, इसी को तो बेहोशी कहते हैं। तो क्रोध इतना बढ़ गया कि सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बची, तुम सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं या पता ही नहीं, यही मद है। अब गलती तो खुद भाई की थी, लेकिन क्रोध में उसे भी नहीं देख पाए, ठहर कर ये पूछने समझने की भी कोशिश नहीं की तुमने कि हुआ क्या था, गलती किसकी थी। इसे ही तो बेहोशी कहते हैं, इसे ही तो बेहोशी में किया गया, क्रोध कहते हैं। और एक नशा, एक बेहोशी होती है वो जिसमें दुनिया तुम्हें अपने इशारों पर नचाती रहती है, तुम्हें लूटती रहती है, और कब जीवन खत्म हो जाता है उनके इशारों पर नाचते नाचते पता भी नहीं चलता, और हाथ देखते हो तो सब खाली। और ये जितने भी लोग बड़े समझदार दिखाई देते हैं तुम्हें, ये सब नशे में, इनको शांति चाहिए, इनको शांति चाहिए और पीते शराब हैं। रोग इनको मन का होता है और इलाज हमेशा शरीर का ही करते रहते हैं, कराते रहते हैं। ये बेचैन मन होता है और चैन ढूंढने ये जाते हैं बाजार में, यही नशा है, इसी को नशा कहते हैं। और इसी नशे के कारण तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि हो क्या रहा है। चौथा शत्रु है मोह। मोह माने तुम किसी से इस तरह से जुड़ गए, किसी को इतना अपना समझने लगे हो जैसे वो और तुम एक ही हो। किसी से जुड़कर उसे खुद से अभिन्न समझना ही मोह है। कुछ ऐसा कि जिससे दूर होते हो तो दुख होता है, पीड़ा होती है। कभी कभी मोह इतना हावी हो जाता है कि तुम उसके खातिर गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हो। इसके युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन की जो स्थिति है वो इसका बिल्कुल सही उदाहरण है मोह का। दुर्योधन और सारे कौरवों ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, ठीक है, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जानवरों की हत्याएं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मार रहे हैं, खा रहे हैं, बिल्कुल पाप ही किए जा रहे हैं। पांडवों को भी जंगल में रहना पड़ रहा है, अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन मैदान के बीच में खड़े होकर देखता है तो कहता है कि हे केशव, ये सब तो मेरे अपने हैं, कोई गुरु, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई मित्र, सब सगे संबंधी हैं और रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मार दूं? क्या करूंगा मैं उस धन संपदा का, उस राज्य का, जिसमें मेरे अपने ही ना हो, अपने ही लोगों के खून को बहाकर मैं क्या जीत भी जाऊंगा तो क्या होगा उससे? अर्जुन युद्ध से मुंह मोड़ रहा है ये कहकर कि ये सब तो मेरे अपने हैं। यहां पर अर्जुन मोह से ग्रस्त है, मोह के कारण अर्जुन देख ही नहीं पा रहा है कि जिन्हें वो अपना बता रहा है वो कितना पाप कर रहे हैं, वो अधर्म को, अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये ऐसे ही राज करते रहे तो हस्तिनापुर के साथ साथ पूरा आर्यवर्त को ये सब लूट मारेंगे, लूट खाएंगे। अर्जुन नहीं देख पा रहा है क्योंकि अर्जुन की सारी पहचाने उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर वो किसी को मारता है तो जैसे उससे उसकी अपनी ही पहचान छीनी जा रही हो ऐसा होगा, तो उसके अंदर जो अहंकार बैठा है मोह बनकर वो उससे युद्ध नहीं करने दे रहा है। मोह के कारण अर्जुन सत्य से मुंह मोड़ रहा है। कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध कर,
और कृष्ण अर्जुन कृष्ण की बात नहीं मान रहा है, सत्य से मुंह फेर रहा है, धर्म से पीछे हट रहा है, वो भी कुछ नश्वर रिश्तों के लिए, कुछ नश्वर रिश्तों के लिए। उस समय की समस्त मानव जाति और प्रकृति को देख नहीं पा रहा है वो, उनके ऊपर उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार और शोषण को नकार रहा है अर्जुन, सिर्फ इसलिए कि कौरवों से उसका कुछ रिश्ता है। यही मोह है, और अधिकांशतः रिश्तों में ही मोह दिखाई देता है। मोह अर्थात वह स्थिति जहां किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अधर्म अन्याय पाप को भी तुम नजरअंदाज कर देते हो, उसे सजा नहीं देते हो, ताकत होने के बावजूद भी तुम उसे उचित दंड नहीं दे पाते, यह कहकर कि वो तुम्हें बहुत प्यारा है। यही मोह है, इसे प्रेम मत समझ लेना। और यही मोह तब देखने को मिलता है जब दुर्योधन कभी चीरहरण करवाता है, कभी अभिमन्यु को मरवाता है, और कई सारे गलत काम वो किए जाता है, लेकिन पुत्र प्रेम में पड़कर धृतराष्ट्र ने उसे कभी सजा नहीं दी। उसे अगर उचित दंड मिला होता धृतराष्ट्र से, तो दुर्योधन ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर धृतराष्ट्र और गांधारी बचपन में ही दुर्योधन को उचित अनुचित का पाठ पढ़ाते, गलती करने पर उचित दंड देते, तो आज ये कौरवों और पांडवों के मध्य इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। लेकिन माता पिता जब मोह में पड़कर संतान की परवरिश नहीं करते और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हैं, तो संसार फिर दुर्योधन जैसा ही होता है, संतान फिर दुर्योधन जैसी होती है। ये मोह तब भी हमें देखने को मिलता है जब घर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु पर पत्नी बहुत रो रही है, क्यों? क्योंकि वे शरीर जिसे वो आज तक अपना कहती आई है, अब वो नहीं रहेगा। मोह के कारण वो देख नहीं पा रही है कि इसे तो एक दिन मिटना ही था। इसी मोह के कारण ही हर व्यक्ति मौत से भी इतना डरता है, क्योंकि मोह क्या है, किसी को अपने से अभिन्न ना मानना। तो वो शरीर को ही अंतिम सत्य मान लेता है, और जब शरीर छिनता है तो उससे बहुत डर जाता है। तो इंसान जब अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तो इस शरीर को ही वो यह समझता है कि मैं यही तो हूं। अहंकार इस शरीर से तादात्म्य कर लेता है और जीवन भर फिर इसे बचाने की कोशिश करता है। इसलिए संतों ने बहुत समझाया है कि इस तन से ज्यादा मोह मत करना, नहीं तो मौत का डर सदा ही सताता रहेगा। इसी को काम क्रोध लोभ के, काम क्रोध मद के बाद मोह कहा गया। यही मोह है जिसमें हम किसी जीव से इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उसके द्वारा किए जा रहे उचित अनुचित को या तो देख नहीं पाते हैं, या देखने पर भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, उसकी नश्वरता को देख नहीं पाते हैं। फिर पांचवा शत्रु आता है मात्सर्य। मात्सर्य माने ईर्ष्या करना। तो इंसान का जो पूरा जीवन है ईर्ष्या करने में ही बीत जाता है। कितना तुम ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या माने किसी की तरक्की देखकर तुम्हें बुरा लगता है, जलन होती है, जेलेसी। बचपन में स्कूल में अगर कोई पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है और उसे शाबाशी मिल रही है, तो बाकी सब उससे सीखने के बजाय उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। पड़ोसन का लड़का राज्य में नंबर वन आ गया तो तुम्हें पड़ोसन से जलन होगी, तुम अपने बच्चे पर क्रोध करोगे। इसलिए किसी का पति अच्छा है तो उससे जलन होगी, कोई कमाता ज्यादा है तो उससे ईर्ष्या करोगे। दूसरे व्यापारी के पास 100 दुकानें और तुम्हारे पास सिर्फ 10 दुकानें, तो तुम उससे ईर्ष्या करोगे। कोई सुंदर ज्यादा है तो तुम उससे ईर्ष्या करते हो। ये तुम करते रहते हो, इसी में जीवन बर्बाद कर देते हो, लेकिन रुककर कभी पूछते नहीं खुद से कि इससे आगे अगर निकल भी गया तो ऐसा क्या पा लूंगा, अगर किसी से पीछे भी रह गया तो क्या है, क्या गलत हो जाएगा, क्या छिन जाएगा। तुम नहीं पूछते, लेकिन तुम उसी अंधे दौड़ में लगे रहते हो। हम कभी नहीं पूछते, और इस ईर्ष्या के कारण वह जो संसार में हर किसी के साथ प्रेम का रिश्ता हो सकता था, वह नहीं हो पाता है। भाई भाई से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से, गांव गांव से, राज्य राज्य से, देश देश से, और दुनिया इसी ईर्ष्या की अग्नि में प्रेम को स्वाहा कर देती है। दुनिया में
हुए आज तक के जो सारे युद्ध हैं, उन युद्धों का कारण यही सारे शत्रु हैं। यही कामनाएं, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, ये सभी शत्रु हैं जो इन युद्धों का कारण रहे हैं। छठा शत्रु है लोभ। लोभ माने लालच। लालच क्या होता है? आवश्यकता से अधिक धन होने पर भी अज्ञान के कारण और अधिक पाने की इच्छा ही लालच को जन्म देती है। इसी को फिर लालच कहते हैं। और पाना है, अभी कम पड़ रहा है, यही लालच है। लालच जरूरी नहीं है कि धन का ही हो, ये अन्य चीजों का भी होता है। तो ये जो और अधिक पाने की इच्छा है, यही लालच है। धन के इस लालच के चलते कोई चोरी करता है तो कोई किसी की हत्या करता है। तुमने देखा नहीं कि बाहर से भारत पर कितने आक्रमण हुए? बाहर से जो आक्रमणकारी भारत आते थे वो लालच से भरे होते थे। सब यहां भारत को लूटने के इरादे से आते हैं। तो ये लालच एक घर में दो भाइयों को, बाप बेटों को भी लड़ा देता है और दो देशों को भी लड़ा देता है। ये लाखों लोगों की हत्या भी करवा देता है। ऐसा है ये लालच। जीवन की हर समस्या के पीछे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही छह शत्रु दिखाई देंगे। ये छह शत्रु बैठे होते हैं। यही षड रिपु तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को संचालित करते हैं। पर ये मत समझ लेना, तुम इन्हें अलग अलग मत समझ लेना कि क्रोध अलग है, ईर्ष्या अलग है, लालच अलग है। नहीं, ये लगते अलग हैं लेकिन है नहीं। ये षड रिपु हैं, ये छह दुश्मन हैं, लेकिन ये दुश्मन तुम्हारे लिए हैं। आपस में तो ये सब दोस्त हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये तुम्हारे दुश्मन हैं पर आपस में दोस्त हैं। इसलिए तो इनको एक साझा नाम दिया गया है, अहंकार। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी विशेष स्थिति में कोई एक ही अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पांच है ही नहीं। वो पांच भी हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। वो छुपे हुए हैं, एक एक करके सामने आते हैं, लेकिन आते रहते वो एक साथ ही हैं। तो जब भी जीवन में कोई परेशानी हो, अब करना क्या है वो सुनो। जब भी जीवन में कोई परेशानी हो, किसी तरह का तनाव हो या कुछ और दिक्कत हो, तो तुरंत कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुक कर स्वयं से ये पूछना कि कौन है जो परेशान हो रहा है। ये तनाव, ये चिंता, ये लालच, ये डर किससे उठ रहे हैं? कौन है जो डरता है कुछ छिन जाने से? कौन है जो पाना चाहता है? क्योंकि गलती यहीं पर होती है कि जब क्रोध उठता है, लालच, ईर्ष्या, मोह उठता है, तो हम रुककर पूछते भी नहीं कि ये सब उठ किसे रहे हैं। क्या है जो मिल जाएगा, क्या है जो खो जाएगा, हम डर जाते हैं। तो पूछो। और चूंकि ये षड रिपु एक दूसरे के मित्र हैं, तो अलग अलग तो रहते नहीं। तो जब भी तुम परेशान रहो, तो सबसे पहले तो स्वयं को कुछ देर रोको और मुंह से एक भी शब्द निकालने से पहले ये देखो कि कौन इन छह दुश्मनों में से कौन है जो अभी मुझ पर ज्यादा हावी हो रहा है। क्योंकि सारे के सारे एकदम से हावी नहीं होंगे, एक एक करके हावी होते हैं। तो रोको खुद को और पूछो कि कौन है जो मुझ पर अभी ज्यादा हावी हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसकी पहचान कर लो। जो प्रत्यक्ष जान पड़ रहा है कि लालच उठ रहा है या क्रोध आ रहा है, ठीक है, या मोह उठ रहा है, तो देख लो कि क्या है जो सबसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और जब जांच लो तो उसके बारे में जो भी बातें हैं उनको देख लो, समझ लो। पहचान करने के बाद एक एक करके इन छह दुश्मनों का अच्छे से आकलन कर लो, इनका मूल्यांकन कर लो। ठीक है, जब किसी भी तरह की कोई कामना उठे, इच्छा जागे, कोई सपना सजाओ, तो उस इच्छा की कठपुतली बनने से पहले ये अच्छे से जांच परख लो कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी भी हो गई तो ऐसा क्या है जो मुझे मिल जाएगा। जब कामना उठे तब ये पूछो, क्या ये इच्छा वास्तव में इस लायक है कि इसे पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन का अमूल्य समय इसमें लगा दूं? देखो कि जो इच्छा मेरी है, क्या कोई और भी ऐसी इच्छा करता है, या किसी की ये इच्छा पूरी हुई है?
और पूरी होने के बाद अगर हुई है तो क्या उसके बाद भी उसे शांति मिली है? अच्छे से जांच लो, अच्छे से गणना कर लो क्या मिलने वाला है और उसके बदले में क्या तुम चुकाने वाले हो। क्योंकि किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे कीमती जो मूल्य तुम चुकाओगे वो होगा तुम्हारा समय, जो कि सीमित है। कुछ वर्ष मिले हैं तुम्हें जीने के लिए, जो समय निकल जाएगा वो वापस कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से जांच लो कि इच्छा के पूरी होने पर जो मिल रहा है वो इतना कीमती है भी कि नहीं कि उसके लिए अपना जीवन सौंप दूं। हर तरह की इच्छा को, हर ख्वाहिश को इस पैमाने पर रखकर नाप लो, ठीक है? तो ये कामना की बात हो गई कि कामना को कैसे हमें देखना है। उसी प्रकार जब कभी भी किसी पर क्रोध आए तो उसी वक्त खुद को रोक लो और पूछो अपने आप से कि क्या ये बात, ये मामला वास्तव में इतना बड़ा और आवश्यक है कि इसमें मुझे क्रोध करना चाहिए? क्या मेरे क्रोध करने से ये बात ठीक हो जाएगी, सुलझ जाएगी या और अधिक उलझ जाएगी? अगर दिखे कि क्रोध करने से तो ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगी, और अधिक दिक्कतें होंगी, और ज्यादा समय तक चलती रहेगी, ये देखो कि क्या इसका परिणाम होगा क्रोध करने का। जब यहां तक पहुंच जाओ तो पूछो खुद से, मूल्यांकन करो कि क्या ये समस्या इस लायक है कि इसमें उलझकर मैं अपने जीवन का वह कीमती समय और वह शांति बर्बाद कर दूं जो सीमित समय के लिए मुझे मिला है। तुम जानोगे कि क्रोध करके तुम अपना समय भी बर्बाद करोगे, मन की शांति भी खो दोगे, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा लोगे और उसके बाद भी समस्या सुलझेगी नहीं। और जब ये जान लोगे तो दूसरे की गलती होने पर भी तुम वहां से बिना क्रोध किए, बिना उलझे, बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ जाओगे और ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसी प्रकार जब लालच उठे, चोरी करने का मन हो, और अधिक धन पाने की लालसा हो, अधिक धन कमाने के लिए गलत काम करना पड़े तो निर्णय लेने से पहले यही सवाल खुद से पूछो कि क्या और कितना मिल रहा है और उसके बदले में क्या और कितना गवा रहा हूं, कितना चुका रहा हूं। अधिक धन के लालच में क्या होता है कि इंसान ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है जो उसके मन की शांति, उसके जीवन से प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा सब छीन लेता है। ऐसा काम इंसान करने लग जाता है सिर्फ धन पाने के लालच में। और आज के समय में ही इंसान जितना अधिक मानसिक रोगों से पीड़ित है, जितना अधिक मानसिक तनाव आज इंसान के जीवन में है, इतना पिछले हजारों लाखों वर्षों में कभी नहीं रहा है। और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है कि इंसान क्या कर रहा है, माने क्या काम वो कर रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आज हमारे आसपास भोग करने के लिए जितने संसाधन, जितनी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उतनी आज तक कभी नहीं हुई। हम चारों तरफ से इन भोग की वस्तुओं से ही घिरे हुए हैं और माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया है कि जो कोई भोगेगा नहीं उसे गरीब, पागल समझा जाएगा। तो फिर हर इंसान भोगने के लिए आतुर है, लेकिन मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो किसी काम, किसी ऐसी नौकरी को चुनता है जहां भले ही उसकी मानसिक स्थिति कैसी ही हो जाए, चाहे कुछ भी काम करना पड़े, बस पैसा अधिक मिलना चाहिए। और जब वो जो कमाने लगता है उस नौकरी से, उसमें भी मन नहीं मानता तो और लालच के चक्कर में और भी उल्टे काम करने से वो नहीं चूकता। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो एक छोटी सी खुद की दुकान चला रहा है, छोटी सी दुकान है, मान लो नाश्ते की दुकान है, पोहे जलेबी बना रहा है, समोसे बना रहा है और महीने के 10 से 12 हजार ही कमा पाता है, ठीक है? और वो खुश है, बढ़िया चल रहा है उसका काम धंधा, पिछले कुछ सालों से बढ़िया रह रहा है, जीवन में शांति थी, सुंदरता थी, प्रेम था, सब बढ़िया था। लेकिन अब इन कंपनियों के प्रचार प्रसार उसके घर तक पहुंच गए, उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं, उसके आंख कान तक ये भोग की वस्तुएं पहुंचने लगी हैं, तो उसके अंदर भी फिर भोगने की इच्छा प्रबल हो रही है।
अब उसका खर्च 12-15 हजार में नहीं चल रहा है। वो अशांत भी हो गया है, खुद को गरीब भी समझने लगा है। अब उसे तलाश है किसी ऐसे काम की जो उसे महीने के लाखों दे सके। तो इसी बीच में एक कसाई से उसकी भेंट हो जाती है और वो कसाई उसकी किसी ऐसी कंपनी में नौकरी लगवा देता है जहां पर गाय भैंस को काटा जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है, मांस का व्यापार किया जाता है। पर चूंकि उसे पैसे चाहिए और अब इस काम के बदले अगर वो इस काम को अगर वो करेगा तो उसके बदले उसे मिलने वाले हैं महीने के लाखों। अब ये इंसान उस कंपनी में काम करने लग जाता है, ये महीने के लाखों कमाता है, इसके पास बड़ा घर है, बड़ा घर इसने बना लिया, महंगी गाड़ी है, बड़े स्कूलों में इसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ है उसके पास, दुनिया की हर चीज उसने हासिल कर ली जानवरों को मार मार कर। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पहले उसके पास मुफ्त में भरपूर था लेकिन आज लाखों देकर भी वे उसे नहीं खरीद पा रहा है। इसने बहुत कुछ खो दिया है। क्या खोया इसने? इसने जब पहली बार किसी गाय के गले पर छुरी रखी होगी तभी इसका दिल पत्थर हो गया होगा। अब उसमें प्रेम नहीं बचा, उसके जीवन से प्रेम पूरी तरह से चला गया। जब उसने गाय के टपकते आंसू देखकर भी छुरी चलाना बंद नहीं किया तब उसके हृदय से दया और करुणा को उसने सदा के लिए खो दिया। उसने अपने जीवन से दया और करुणा को सदा के लिए निष्कासित कर दिया। जो व्यक्ति आज तक किसी चींटी पर हिंसा नहीं करता था आज उसने अहिंसा को त्याग दिया। रात को जब ये घर आता है तो वही सारी उन्हीं सारे जानवरों की तस्वीरें दिखाई देती है, उन बेजुबान मासूमों और निर्दोष जानवरों की चीखें, उनकी आवाज इनके इसके सपने में, इसके कानों में गूंजती रहती है। वो खून टपकता रहता है, इसे दिखाई देता है, यही सब उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहता है। इस तरह इस व्यक्ति ने अपने मन की शांति और संतुष्टि का पूरी तरह त्याग कर दिया सिर्फ चंद पैसों के लिए और इसे पता भी नहीं चला। अब ये व्यक्ति तनाव में रहता है, दवाइयां लेता है और इन सब का असर फिर घर में भी दिखाई देता है, परिवार पर भी। भला जो व्यक्ति कुछ पैसों के लिए हजारों लाखों जानवरों की जान ले सकता है वो कैसे अपने बच्चों के प्रति अहिंसक हो सकेगा? कैसे उनके प्रति उसके हृदय में प्रेम होगा, दया करुणा होगी? कैसे हो सकता है? जो खुद दिन रात तनाव में रहता है वो कैसे अपनी पत्नी से सही संबंध बना सकेगा? कैसे उसके घर परिवार और जीवन में शांति होगी? जो व्यक्ति अपने स्वाद के लिए बेचारे निर्दोष मुर्गों के गर्दन मरोड़ के उसे पका के तल के खा जाता है, वही व्यक्ति अगर अपनी बहन या खुद की बेटी का बलात्कार कर दे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी की बात है। कुछ पैसों के लिए जो लाखों जानवरों को मौत दे दे वे अगर छोटी सी बात पर किसी एक दो इंसान की हत्या भी कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। इसलिए ध्यान रखो कि जब भी लालच उठे किसी भी रूप में तो रुककर जरा खुद से पूछ लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पर्याप्त धन है फिर भी लालच के चलते मैं ज्यादा पाना चाह रहा हूं, और देखो कि कौन से काम से मेरे पास धन आ रहा है। अगर धन गलत काम करके आ रहा है तो उसका सही उपयोग कभी नहीं हो सकता। तो खुद से पूछो कहीं अधिक धन के लालच में आकर मैं अपना समय और शांति तो नहीं गंवा रहा हूं। तो जब भी कभी परेशान हो या कोई निर्णय लो तो हर बार ये देखो कि कहीं ये काम इन षड रिपुओं का तो नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुकना सीखो, कुछ बोलने से पहले विचार तो कर लो कि बोलने की आवश्यकता है भी या नहीं। इसी प्रकार ईर्ष्या है, तो जब ईर्ष्या उठे तो जरा ठहरो और पूछो कि बगल वाले से अगर आगे निकल भी गया तो क्या पा लूंगा मैं, क्या पा लिया उसमें मैंने अगर आगे निकल गया तो? व्यर्थ ही ईर्ष्या की दौड़ भाग में समय और शांति गंवाई, व्यर्थ में ही जो दोस्त हो सकते थे उससे दुश्मनी कर ली। और अगर तुलना करनी भी है तो किसी ऊंचे से करो, किसी बुद्ध महावीर से करो, कबीर से करो, मीरा से करो, नानक जैसों से करो। इतने तो हैं, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, रानी लक्ष्मीबाई है, वीर शिवाजी है, इनसे करो तुलना। करना है तो निकलो इनसे आगे, कहां फंसे हो इन कच्चर बच्चर के चक्कर में, ऊपर उठो थोड़ा, असली तुलना करो। सही ये सारी दुनिया
गधों की तरह बिना सोचे समझे जिधर दौड़ लगा रही है, तुम भी उधर को ही दौड़ते हुए अगर दो चार से जीत भी लिए तो क्या बड़ा कर दिया तुमने। तो व्यर्थ ही ईर्ष्या मत करो हर किसी से, और व्यर्थ की ईर्ष्या अगर बगल वालों से करोगे और उसकी वजह से तनाव में तुम्हारा मन हर समय रहेगा तो कोई और काम भी नहीं कर पाओगे। जिसका मन मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है, तनावग्रस्त है, भला उसका किसी काम में भी मन कैसे लगेगा। और जिसका तन और मन बुद्ध महावीर की तरह शांत है, देखो फिर उसकी बुद्धि कैसे काम करती है। तुलना करनी है तो असली से करो, जो असली है उसे पाने की लड़ाई लड़ो। तो जंग के मैदान में भी असली योद्धाओं से सामना होगा जो तुम्हें निखार देंगे। असली योद्धाओं से लड़ोगे, असली योद्धाओं से तुलना करोगे तो खुद का जीवन निखर जाएगा। इसी प्रकार जब भी किसी व्यक्ति की वजह से परेशान हो या कोई गलत कर रहा है तो तुम सहन किए जा रहे हो। कोई व्यक्ति है उसकी वजह से परेशान हो, वो गलत किए जा रहा है और तुम सहन किए जा रहे हो, तब खुद से पूछो कि कहीं ये मेरा मोह तो नहीं है जो गलत को भी गलत नहीं कह पा रहा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद पीड़ा सहते रहते हैं मोह के कारण, और वे कभी नहीं जानते कि पीड़ा देने वाले को तुम्हारे सहने ना सहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी और के साथ गलत कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास ताकत होते हुए भी हम उसे नहीं रोकते, या हम खुद किसी के साथ गलत कर देते हैं मोह के कारण, तो ऐसी किसी भी स्थितियों में जरा रुकें और उस पर विचार करें, थोड़ा रुकना सीखें। क्योंकि हमारा समय और शांति ये दोनों बहुत कीमती है, इन्हें व्यर्थ की बातों में पढ़कर कभी मत गंवाना। और जो छठा दुश्मन है नशा, बेहोशी, वो तो हर व्यक्ति पर छाया रहता है अज्ञान के रूप में। इसके लिए आवश्यक है कि आप जागरूकतापूर्ण जीवन जिएं, जीवन बोधपूर्ण जिएं। इसके लिए सही लोगों, सही पुस्तकों की संगत करें तो अज्ञान का नशा अपने आप उतरने लगेगा। क्योंकि हम जो है बहुत डरे हुए हैं, हमें हमेशा कुछ खो देने का डर रहता है, लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते कि अगर खो भी दिया तो ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा और कितना नुकसान हो जाएगा। किसी ने तुम्हारे 10 रुपए चुरा लिए और अब दे भी नहीं रहा है, लेकिन तुम उसके लिए उसे 10 दिनों तक कोसते रहे। कोई अगर कम कमाता है तो उसे अपमान का डर रहता है कि कोई अपमान ना सम्मान ना छिन जाए, इसके खोने से डरते हो। कोई रिश्ता, कोई दोस्त, कोई जमीन जायदाद, इन सब के खोने की सोचता रहता है कि कहीं ये छिन ना जाए, इनके खोने की उसे परवाह रहती है। लेकिन समय और शांति, इन सब के चक्कर में हम कितना खो देते हैं इसका तुम कभी विचार भी नहीं करते। 10 रुपए के लिए 1 घंटे तक तुम ठेले वाले से लड़ते रहे, 20 रुपए बचाने के लिए 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर सब्जी लाए, पूरा 1 घंटा बर्बाद किया। किसी को बातों का बुरा ना लग जाए इसके लिए अपनी शांति गंवा देते हो, सोचने चिंता करने में समय को हम पानी की तरह बहा देते हैं, उसकी कभी बात नहीं करते। क्या पा लिया अगर तुमने 10 रुपए बचा भी लिए तो? तुम बस उसे देखते हो जो आंखों से दिखाई दे जाता है, जैसे 10 रुपए का नुकसान, लेकिन उसे कभी नहीं देखते जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है, वो होता है समय और शांति। इन सब व्यर्थ की हरकतों और गलत कामों की वजह से तुम आनंद, प्रेम, शांति सब खो देते हो, और सबसे कीमती समय को तुम गंवा देते हो। और इन सब का कारण है तुम्हारा अहंकार, यही षड रिपु। क्योंकि तुम कुछ भी करने से पहले कभी थोड़ा रुककर विचार नहीं करते, और समाधान भी यही है कि जब भी थोड़ा सा भी परेशान हो तो बस 10 सेकंड रुककर खुद से पूछ लो कि ये कौन है जो परेशान हो रहा है, कौन इसे परेशान कर रहा है। नहीं तो ये 6 दुश्मन तुमसे सब कुछ लूटते रहेंगे, तुम्हें पीटते और परेशान करते रहेंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे कि कौन तुम्हारे साथ ये कर रहा है। ये तुम्हारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, चैन सब छीन लेंगे, तुम्हारा समय, सब कुछ ये छीन लेंगे। और जो मद होता है, नशा,
वह कभी पता भी नहीं लगने देगा कि तुम्हारे साथ ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, किसने तुम्हें लूट लिया। तो जीवन में जब भी कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, कोई परेशान हो तुम, तो दो बातें याद रखना। पहली कि समय और शांति और प्रेम सबसे कीमती है, इनका सौदा कभी मत करना और किसी से भी मत करना। दूसरी, थोड़ी देर रुककर ध्यान देना शुरू कर दो और छह दुश्मनों को खुद पर हावी मत होने देना, नहीं तो ये तुम्हें कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, जीवन भर पूरा समय इसी में गंवा दोगे। इसलिए रुकना सीखो।